जो आरोप लगा रहा है लगा रही है टीएमसी के ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पुतले को तोड़ा गया। आप देख रहे हैं दंगे के बाद की ये तस्वीर है जिसमें गेट इंटैक्ट है। हम तो रोड के बाहर थे, अगर गेट इंटैक्ट है तो अंदर जाकर किसने तोड़ा? अंदर से तो टीएमसी के लोग पथराव कर रहे थे, टीएमसी के लोग कैरोसिन बॉम्ब फेंक रहे थे, टीएमसी के लोग लाठी और सलिया लेकर बाहर आ रहे थे। गेट अगर टूटा नहीं है, गेट बंद है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की प्रतिमा जो कॉलेज के अंदर है इसको कुछ ने तोड़ा? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अंदर थे ही नहीं, सारे के सारे बाहर थे, बीच में पुलिस थी, किसने तोड़ा? ये झूठे प्रकार की सिंपथी कलेक्ट करने के लिए ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा को तोड़कर एक नाटक और एक षड्यंत्र रचने का काम किया है। हमला एक नहीं हुआ है, एक दो तीन, तीन हमले हुए हैं और तीसरे हमले में आगजनी, पथराव और बोतल के अंदर केरोसिन डालकर सुलगा कर डालने का घटना भी हुआ। सुबह से पूरे कलकत्ता के अंदर ये रूमर थी कि यूनिवर्सिटी के अंदर से कुछ लड़के आकर दंगा करेंगे। पुलिस ने ना किसी को अरेस्ट किया, ना वहाँ पर कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था की, ना उनको रोकने का प्रयास किया। और जितने भी पथराव करने वाले लोग थे वो अंदर की ओर थे, हम लोग रिसीविंग एंड पर थे। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार का दृश्य बना था। आपको इसकी कॉपी भी दी जाएगी। ये फोटो है जो मेरे रोड पर, मेरे रोड शो पर पथराव किया गया, जिसमें सीआरपीएफ के बचाव करने के साधन से बचता हुआ मैं स्पष्ट दिख रहा हूँ और नीचे आगजनी भी हो रही है। आप सब मुझे आंकड़ा पूछते रहते हो हर इंटरव्यू के अंदर, हर साक्षात्कार के अंदर कि भाई कितनी सीटें आएगी, क्या आएगी। मैं बंगाल देखकर आया हूँ, पूरे देश में घुमा हूँ, मैं पूर्णतया आश्वस्त हूँ, पूर्णतया आश्वस्त हूँ। पांचवे और छठे चरण के अंदर भाजपा का अकेले का पूर्ण बहुमत का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं और सातवें चरण के बाद अकेली भारतीय जनता पार्टी 300 सीटों का आंकड़ा पार करने जा रही है। 300 सीटों से ज़्यादा सीटें प्राप्त कर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम एनडीए की सरकार बना रहे हैं।